नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैकेनिक्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के जो डाउट्स के न्यूमेरिकल आए प्लस मुझे कुछ जो जरूरी न्यूमेरिकल लगा मैंने लगवाया, अभी वो सीरीज खत्म नहीं हुई है। आप और भी न्यूमेरिकल भेजेंगे, मैं बीच में और भी न्यूमेरिकल की क्लास कुछ एग्जाम टाइम्स में भी स्पेशल न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो बने रहिएगा। और खास करके एग्जाम टाइम्स में जो हम लोग की रिविजन सीरीज चलेगी उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं हर बार ऐसा करता हूँ ना कि बहुत लंबा लंबा रिविजन क्लास नहीं लेता हूँ, एक ही रिविजन क्लास लूंगा, एक ही मतलब कुछ लंबा 5-6 घंटे का एग्जाम के टाइम में, और सारा ये सब जितना हम लोग पढ़ना सब रिवाइज हो जाएगा। अभी धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 लॉ ऑफ फोर्सेस खत्म कर लिया था। आज की क्लास में देखिए ये लॉ ऑफ फोर्सेस पूरा खत्म हो चुका था। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है मोमेंट। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंट वाला जो चैप्टर है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपके आगे के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, जो भी आप पढ़ेंगे डिजाइन वगैरह के क्वेश्चन, उनमें इनका यूज बहुत तेज पड़ने वाला है। और मैंने आपको पिछले में आपको रिएक्शन निकालना भी सिखाया था, उसमें मोमेंट का भी यूज हुआ था, पढ़े नहीं थे लेकिन मैंने यूज कर दिया था, उसमें दे दिया था, ठीक है ना। इसमें अब हम लोग मोमेंट में पहला क्या टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट क्या है, मतलब मोमेंट क्या है उसके बारे में, मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड इट्स यूनिट, यानी मोमेंट के फोर्स यूनिट, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। वेरिग्नान थ्योरम लिखा है, केवल डेफिनेशन, वेरिग्नान थ्योरम का यहां से केवल केवल डेफिनेशन हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है ना। डेराइव आप चाहें तो करें, चाहे तो मत करें, आपकी मर्जी। आसान है, डेरिवेशन मैं कराऊंगा चाहे नहीं कराऊंगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको इस सबसे ज्यादा ये जो थ्योरम है ना वेरिग्नान, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको समझना, क्योंकि तो इसका एप्लीकेशन आ गया है। जानते हैं बार बार आपके एग्जाम में पूछता है मैकेनिक्स से, तो बच्चों को लगता है हर बार तो एक ही चीज पूछता है, वो इसलिए पूछता है कि तुम उसको ठीक से जान जाओ, आगे यूज कर लो। एक लॉ ऑफ फोर्सेज में जो नियम थे, समांतर चतुर्भुज के नियम वगैरह, वो सब बहुत पूछता है। वेरिग्नान थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और इट्स के एप्लीकेशन। आज कम से कम ये 4 टॉपिक तो होंगे, 4 टॉपिक का मतलब एप्लीकेशन शायद ना हो पाए, मतलब लीवर ये सब कंपाउंड ये सब शायद अभी ना पढ़ पाए, लेकिन ये सब कंसेप्ट, मोमेंट का फोर्स यूनिट, वेरिग्नान थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये 4 टॉपिक तो आज के आज क्लियर होंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी चीजें और हैं इसमें, मैं आपको बताऊं इसका काफी पार्ट मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ, जैसे रिएक्शन कैलकुलेट वगैरह, तो आप किताब देख के घबराइएगा मत, उसमें मैं चीजें वो बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी दिखाऊंगा मैं कि कैसे मैंने उनको बताया है ये टॉपिक किसी में, ये चैप्टर तब भी लंबा चलेगा, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन हाँ काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, चिंता मत करिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चीज, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट, यानी मोमेंट क्या होता है उसके कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट ये कहता है कि हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले पिछली क्लासेस में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, हमने बोला कि फोर्स क्या होता है, एक पुल या पुश होता है, यानी एक तरीके का या तो धक्का या तो खिंचाव होता है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। इस स्थिति को यदि आप समझ चुके होंगे तो आप समझिएगा, यदि कोई बॉडी है और उस पर फोर्स लगा, उस पर फोर्स लगा तो ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर क्या करेगी, इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं डिस्प्लेस हो जाएगी, चली जाएगी इसी दिशा में, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा कि फोर्स का ये इफेक्ट होता है। जानते हैं ये फोर्स क्या नहीं कर सकता है, अगर मैं बात करूं कि ये फोर्स, अभी मैं मुद्दे पर पहुंच ही नहीं रहा हूं मोमेंट पे, ये फोर्स क्या नहीं कर सकता, एक चीज जान लीजिएगा, बल के प्रभाव में इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स ओनली लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी इज पॉसिबल, यानी बल के प्रभाव में केवल वस्तु अपनी अपनी वस्तु केवल अपनी जगह बदल सकती है, यहां से वस्तु यहां जा सकती है बल के प्रभाव में, बस इतना ही अंतर हो सकता है। वस्तु बल के प्रभाव में एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस हो सकती है, इसमें केवल लीनियर मोशन ही हो सकता है, लीनियर मोशन ही इसके अंदर हो सकता है। लेकिन यदि इस वस्तु को किसी चीज के परितः यानी उसके अबाउट यदि घुमाना हो तो वी नीड मोमेंट, यानी फोर्स फोर्स कैन ओनली मूव द बॉडी
मूव द बॉडी बॉडी लिनियरली, यानी यह बॉडी को केवल और केवल रैखिक रूप से घुमा सकता है या मूव करा सकता है, जबकि वहीं पर, यानी इसके बारे में इसका डिमेरिट, पहली बात इसके बारे में, दूसरा मैं ये कहूंगा इट कैन नॉट रोटेट द बॉडी, ये बॉडी को रोटेट नहीं कर सकता है, ये बॉडी को रोटेट नहीं कर सकता है। रोटेट मतलब इसको घुमाना, अगर हम चाह रहे कि अपनी जगह घूमे तो इसको किसी एक जगह फिक्स करिए। देखो अगर बल इस जगह फिक्स होके भी बल लगेगा ना, फिक्स का मतलब होता है इसको किसी चीज से पिन कर दो और उसके बाद भी बल लगाओगे तो इस बल के प्रभाव में ये ऐसे ही जाएगा या रुक जाएगा, नहीं जाएगा, रिएक्शन मिला। लेकिन अगर अब ये बल इसके इस पॉइंट से हटा के अगर इस पॉइंट पर लगाने लगो तो उस स्थिति में लाइन ऑफ एक्शन इसके इस अक्ष से दूर हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन इसके अक्ष से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब बताओ कि जब इस पर यहाँ पर वस्तु को रोका गया है और नीचे बल लगाओगे तो ये तुरंत ये वस्तु क्या हो जाएगी, घूमने लगेगी। तुम ही देखो यहाँ पर किसी चीज को फिक्स करके नीचे बल लगाओ, लाइक यहाँ पर कोई चीज पकड़े और यहाँ पर फिक्स है और नीचे से बल लगा रहे तो वो चीज क्या करेगी, घूमना शुरू कर दी। यानी फोर्स केवल क्या कर सकता है, किसी वस्तु को लिनियरली मूव करा सकता है और किसी भी रोटेशनल इफेक्ट के अंतर्गत फोर्स नहीं लाए। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे मोमेंट की, यानी हम बात करेंगे किसकी, मोमेंट की, हाँ मोमेंट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग घूर्ण, क्या बोलते हैं, घूर्ण, मोमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्ण। मोमेंट क्या कर सकता है, या निश्चित बिंदु के परितः बल का ही एक प्रभाव है जो वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है, यानी इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, मैं हिंदी में बोलता हूं अभी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स विच कैन रोटेट द फिजिकल बॉडी अबाउट अ पॉइंट, यानी यह बल का, यानी इट इज टर्निंग इफेक्ट, यह बल का एक घुमाऊ प्रभाव है। टर्निंग इफेक्ट मतलब यह बल का एक घुमाऊ प्रभाव है जो किसी भौतिक पिंड को किसी निश्चित अक्ष, यानी किसी बिंदु, यानी किसी बिंदु, यानी क्या कह रहा था मैं, इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स विच कैन रोटेट द फिजिकल बॉडी अबाउट अ पॉइंट, यानी यह एक घुमाऊ प्रभाव है बल का। हिंदी एकदम से करने में दिक्कत है, घुमाऊ प्रभाव का मतलब घुमाने वाला प्रभाव, यह बल का एक घुमाऊ प्रभाव है जो किसी फिजिकल बॉडी यानी भौतिक पिंड को किसी बिंदु के परितः घुमा सकता है, किसी बिंदु के परितः किसी वस्तु को यदि घुमाना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मोमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी वह बल ही है लेकिन बल का एक अलग प्रभाव है। बल जब अपनी क्रिया रेखा पर न लग करके, अब बल की क्रिया रेखा यदि किसी फिक्स बिंदु के अगल बगल लगी है तो निश्चित रूप से उस पर घुमाव घूर्ण काम करे, बात समझ आ रही ना, यानी हम लोग कह सकते हैं बल माने इसका घूर्ण क्या है, घूर्ण का मतलब तो यार केवल घूमना हो, यानी मोमेंट को अगर हम लोग कहें ना तो यानी इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट का मतलब होता है बल का प्रभाव। लेकिन अगर हम पूछें बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स एक मैथमेटिकल टर्म हो जाता है, जब कोई पूछे आप कि मोमेंट क्या होता है तो मोमेंट यही है, लेकिन जैसे ही आप लोग पूछे कोई कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स तो ये ना एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, कैसे अंतर क्या है दोनों परिभाषा में, मैंने ये नहीं बोला इसमें कि कितना है घूर्ण, ये नहीं बताया मैंने बताया कि घूर्ण होता क्या है। लेकिन अगर जब हम पूछें बल आघूर्ण क्या होता है तब आपको इसका परिभाषा मैथमेटिकली देना है ताकि ये इसके वैल्यू को बताए, यानी बल का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है कि बल के घुमाने वाले प्रभाव को, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज मेजर्ड बाई अ पैरामीटर विच इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अच्छा किसी प्रभाव को मापने का क्या तरीका है, किसी न किसी तरीके से मापा जाएगा, बल के अंदर एक घुमाने का गुण है वो प्रभाव डालता है, तो मैं कहूंगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स
फोर्स इज मेजर्ड बाई इज मेजर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाई, यानी बल का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाई अ पैरामीटर 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 कॉल्ड 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 मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? वह पैरामीटर है जिससे हम लोग टर्निंग इफेक्ट को माप सकते हैं. ये कितना होता है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बल आघूर्ण. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण. यानी एक चीज होती है घूर्ण, वो ये है, यानी एक एक घुमाऊ प्रभाव है. उस घुमाऊ प्रभाव को एक नाम दिया गया, क्या? बल आघूर्ण. बल आघूर्ण होता क्या है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स या बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स फोर्स यानी हम लोग इसको कहेंगे बल आघूर्ण आघूर्ण बराबर मैं लिखूंगा क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि बल यानी जो बल घुमाने वाला है उसका प्रभाव जानने के लिए बल और गुणा, मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा बल और निश्चित बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यानी आपका निश्चित 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 बिंदु से बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी. बात समझ आ रही ना? यानी मैं कह सकता हूं कि फोर्स फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. ये क्या है? तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको जानना है कि मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट को जनरली एम से दिखाते हैं. मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इस पर ये कोई पॉइंट है. आप जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर इस बल के द्वारा इस पॉइंट के परितः इस बल के द्वारा कितना घूर्ण लगेगा. तो कुछ मत करिए, कहेंगे सर इस पॉइंट से इसकी बल की दूरी कितनी है, तो कैसे नापेंगे यहां से यहां तक दूरी? गलत. आपको नापते समय हमेशा बल की क्रिया रेखा को आगे बढ़ाना है. बल की क्रिया रेखा आगे आ गई, क्रिया रेखा आगे ही नहीं पीछे भी जा सकती है. अगर बल यहां लगा हो तो पीछे भी जा सकती है, मतलब कहीं से भी इसको एक अपने लाइन ऑफ एक्शन को बना लीजिए. उसके बाद वहां से यहां तक की लंबवत दूरी मापिए. यानी देखो ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां से. ये कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल यहां से यहां बना रहा है. ध्यान ये दीजिएगा कि ये अगर यहां से आप तिरछे यहां नापते तो बल से इसका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता. हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के एंगल की ही दूरी ले जाती. ये है डिस्टेंस डी और ये बल जो लग रहा था वो एफ. तो मोमेंट एम बराबर क्या होगा? बल. और बल की क्रिया रेखा से उस बिंदु की, बिंदु मान लीजिए ओ है, तो ओ पर एफ का जो मोमेंट होगा वो ओ से एफ की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी डी के गुणा के बराबर होगा. जो लिखा है उससे मिलाइए. यानी बल और निश्चित बिंदु से बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल के क्रिया रेखा की तिरछी दूरी नहीं, लंबवत. अगर तुम इधर चलोगे तब भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा. मान लो तुम ऐसे चलो तो 90 डिग्री नहीं बना, फिर ऐसे चलो 90 डिग्री नहीं बना. एक ही जगह होगा जहां 90 डिग्री बनेगा, तो उसी को कहते हैं लंबवत दूरी. ठीक है ना? यानी एफ इंटू डी क्या है? ये है न्यूटन और ये है आपका क्या, दूरी मीटर में. यानी जो मोमेंट का यूनिट का होगा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर. इसको किसी और प्रणाली में यदि तुम देखना चाहो तो उस प्रणाली में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मतलब किसी और प्रणाली में तुम इसका देखना चाहो, एसआई में है ये. यानी ये हुआ आपका बल और बल के क्रिया रेखा से दूरी और उसी को मैंने मैथमेटिकली यहां पर लिखा. अब मैं यहां लिख सकता हूं क्या, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि इसका और दूसरे यूनिट में, जैसे कि ये कौन से यूनिट में है, ये एसआई यूनिट में इसका यूनिट है न्यूटन और मीटर. यदि एमकेएस में लिखे यही तो एमकेएस में,
तो एमकेएस में बल को किलोग्राम फोर्स में मापा जाता है, केजीएफ और मीटर याद करिए आप। इसी तरीके से सीजीएस में अगर इसका यूनिट पूछे तो सीजीएस में तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, डाइन, यानी बल को कहते हैं हम लोग डाइन, और इसमें कुछ को किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये तीन प्रणालियों में इनकी यूनिट भी मैंने बता दी, और बल का घुमाऊ प्रभाव को ही क्या कहते हैं, मोमेंट। और उस घुमाऊ प्रभाव का एक नाम है, घुमाऊ प्रभाव को हम लोग कहें कि ये मोमेंट, घुमाऊ प्रभाव को। लेकिन मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, उस प्रभाव को कैसे मापें, तो उसको बलाघूर्ण का नाम दिया गया। और बलाघूर्ण का मान होता है बल गुणे निश्चित बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यानी इट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फॉर द पॉइंट। क्लियर है यहाँ पे? तो ये तरीका था आपको मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का, या आपको मोमेंट को समझने का, उसकी परिभाषा का। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया कि मोमेंट क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, इसको मैथमेटिकली कैसे मापेंगे, ऐसे मापेंगे। एकदम क्लियर कट याद रखिएगा, कोई झमेला वाला बात नहीं। अब एक चीज और जान लीजिएगा, इसको कुछ दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है मोमेंट को। मोमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यानी इसका जो ज्योमेट्रिकल तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब मोमेंट को एक तरीके से तो वैसे निकाला जा सकता है, दूसरा तरीका ज्योमेट्रिकली भी निकाला जाता है उसके मान को, बल गुणे क्रिया रेखा की दूरी, या कुछ अलग बात भी होगी, मैं उसको अभी दिखाता हूँ कि उसी से परिभाषा नहीं, दूसरी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए ऑफ मोमेंट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स, यानी किसी बल के आघूर्ण का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय निरूपण, यानी बल के आघूर्ण का क्या, ज्यामितीय निरूपण, बल के आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण कैसे, यदि यही बल जो पीछे लग रहा था वो किसी बिंदु O पर मान लें काम कर रहा है, किसी बिंदु O के अबाउट किसी बल का प्रभाव हमको जानना है, और उस बिंदु एक O के अबाउट यहाँ पे कहीं ये बल लग रहा है, ये बल कहीं यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना, ये बल कहीं यहाँ पर लग रहा है, और ये परिमाण और दिशा में, ये परिमाण और दिशा में ये वो उस बल की लाइन है, मान लीजिए उस बल की ये लाइन है, इस तरीके से ये उस बल का मान है, मान लीजिए बल क्या है F, और आपको मालूम है कि बल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको एरो द्वारा दिखाया जा सकता है, एरो की लंबाई बल के मैग्नीट्यूड को, और इसका जो डायरेक्शन है वो बल की दिशा को दिखाता है, ठीक है ना। तो ये मैं अभी केवल इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको क्या, कि बल भाई जो है यहाँ पर उसको ग्राफिकली कैसे हम लोग निकाल सकते हैं सिंपल तरीके, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बल का जो मान है ना, बल का मतलब, कहने का मतलब बल का जो मान यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, उस मान में क्या खास बात है, मैंने एक है उससे क्या करिए, एफ का अगर हम चाह रहे हैं कि ओ के अबाउट मोमेंट क्या हो, तो हम तो एक तो सीधे एफ आई इसकी क्रिया रेखा को बढ़ा के दूरी ले सकते हैं, तो एफ डी भी आ सकता है। तो एफ डी असल में क्या है, यदि आप जानना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, इसी बल से आप मिला दीजिए उस पॉइंट को, इस बल, अगर देखो ज्यामिति का दिखाने का मतलब है बल को एज ए वेक्टर दिखाओ, उसकी लंबाई सही सही होनी चाहिए, अगर इसकी लंबाई सही है तो कुछ मत करो, यहां से इस पॉइंट ओ को मिला दो, दूसरा यहां से इस पॉइंट ओ को मिला दो, दोनों पॉइंट मिल गए। अब भाई ये जो इसका एरिया है ना, ये इसी एरिया का दोगुना मोमेंट बताएगा, ये रिप्रेजेंटेशन नियम है। ये कैसे दिखाएगा मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जनरली अगर पूछें कि m को, अगर हम लोग पूछें यहाँ पे कि यहाँ पर मोमेंट m क्या होगा, यदि m की बात करें आप, m यानी मोमेंट m क्या होगा, मोमेंट m की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूँगा कि ठीक है यार, अगर वैल्यू जानना है तो बहुत आसान बात है, तुम ऐसा करो यहाँ से लंबवत दूरी ले लो। कुछ लोग कह रहे होंगे सर लंबवत दूरी ये कैसे होगी, मैं कहूँगा बेटा तुम इसको लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाते तो
यही है जो परपेंडिकुलर आता, ये लंबवत दूरी क्या हो गई तुम्हारी, डी हो गई, ये लंबवत दूरी तुम्हारी क्या हो गई, डी हो गई। ठीक है, सिंपल सी भी कहानी है कि अगर भैया ये लंबवत दूरी डी है तो मैं कहूंगा कि मोमेंट एम बराबर एफ और इंटू क्या होगा डी, ये तो हम पीछे पढ़े। फिर इससे इसका क्या लगता है, मैं ऐसा लिखने जा रहा हूं कि ये बल जो है बल ए बी है, ए बी लाइन से दिखाया गया है और ये डी उसकी दूरी है, मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है ना, तो मैं यदि पूछूं इस टाइम कि अच्छा एफ इंटू डी मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है ना, तो एफ मतलब बल का मान है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर असल में ए बी की लंबाई ही एफ है, ए बी की लंबाई एफ है, यानी मैं यहाँ पर ए बी इंटू डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यहाँ पर अभी ये एम ही है, ये एम है, तो मैं लिख रहा हूँ कि ये एफ बराबर ए बी और डी। असल में बल लंबाई के रूप में दिखाया जा सकता है क्योंकि ये वेक्टर है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बस लंबाई सेम से। मैं यदि यहाँ पर एम बाई टू बोलूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इंटू डी बाई टू ऐसा लिख सकता हूँ, यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए बी बाई टू, यानी इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू ए बी इंटू डी। बता सकते हैं कि ये एक बटा दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी मैं लिख सकता हूँ क्या कि मोमेंट बाई टू इज इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी इसी ट्रायंगल का ये एरिया है, बिल्कुल है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एम बराबर टू इंटू, दो को उधर भेज दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी या ओ ए बी, यानी यही इसका ज्यामितीय निरूपण है किसी भी बल का। यानी ये कह रहा है, ये साफ शब्दों में ऐसा कह रहा है कि भाई साहब, ये साफ शब्दों में ऐसा कह रहा है कि किसी भी बिंदु का बल आघूर्ण उस बिंदु को शीर्ष तथा बल को निरूपित करने वाली रेखा के आधार मानकर खींचे गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना होता है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पर घूर्ण, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टू टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाई फोर्स एंड्स एंड द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट हैज टू बी कैलकुलेटेड। ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू टू टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाई फोर्स एंड्स एंड द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट हैज टू बी कैलकुलेटेड। यानी कह रहा है कि किसी ये पॉइंट, वो पॉइंट फोर्स एंड और उस बिंदु जिसके प्रत्यागुण निकालना है उनसे मिलाकर बनाए गए ट्रायंगल के एरिया का दोगुना होता है क्या, मोमेंट ऑफ, क्लियर है। ये इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन था, ये इसका ग्राफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, यानी ज्यामितीय निरूपण था। यानी बल को ज्योमेट्रिकली, अगर मोमेंट को ज्योमेट्रिकली समझना रहे तो आप इस तरीके से मोमेंट को समझ सकते हैं कि मोमेंट होता क्या है, मोमेंट फोर्स के दोनों सिरों को बिंदु, जिस बिंदु के परतः मोमेंट लिया गया उससे मिलाने वाले त्रिभुज के दुगुने क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का जो बनेगा उसके क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर मोमेंट का वैल्यू होता है उसी बिंदु के अबाउट। यानी मोमेंट को या तो एफ इंटू डी बोलो या तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके उसमें मल्टीप्लाई कर दो से, तो आ जाएगा मोमेंट का वैल्यू। ये इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज एनालिटिकली तो आप इसको डिफाइन कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको मोमेंट समझ में आ गया होगा कि क्या है। पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो आप एक हल्के हाथ से एक चीज समझिएगा, हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या देखा, हमने देखा क्या, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, हमने देखा यहाँ पर क्या, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड यूनिट्स ऑफ मोमेंट, ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली।
हालांकि आप डायरेक्ट वैगरैनियन थ्योरम कह रहा, लेकिन मैं मोमेंट के टाइप पर भी डिस्कशन कर दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोमेंट का टाइप। यहां तक केवल मोमेंट को हमने बताया और उसके यूनिट्स को बताया, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, अब मैं बताऊंगा टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट, यानी टाइप्स ऑफ मोमेंट, यानी मोमेंट कितने तरीके से बनाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ मोमेंट, टाइप्स ऑफ मोमेंट, कितने टाइप्स ऑफ मोमेंट हो सकते हैं। देखिए हमारी जिंदगी में यही मोमेंट है, ठीक है ना, बाकी मोमेंट बहुत तरह के होते हैं, हमारी जिंदगी में ज्यादा बना नहीं। आपके जिंदगी में बना हो तो आप आनंद लीजिए मोमेंट का, हम मोमेंट ना बना पाए ना कोई हमारे लिए बना पाया, तो बाकी ठीक है, जो है यही मोमेंट है, इसी को दिया जाए, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ मोमेंट की बात करें ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य रूप से मोमेंट तीन तरह के होते हैं, तीन तरह से मोमेंट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं। पहला मोमेंट आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग मोमेंट। पहला मोमेंट कौन कौन सा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टर्निंग मोमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं घुमाऊ घूर्ण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, घुमाऊ, अभी हिंदी भी बोलूंगा इंग्लिश भी, घुमाऊ घूर्ण, ठीक है ना, घुमाऊ घूर्ण। दूसरा हम लोग का क्या, दूसरा वाला मोमेंट कौन सा है, बेंडिंग मोमेंट। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बवाला चीज है, आगे तुम्हारा दिमाग खाने वाला है अगले सेमेस्टर में, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। बेंडिंग मोमेंट यानी इसको बोलते हैं झुकाऊ घूर्ण या नमन आघूर्ण बोलते हैं, नमन मतलब झुकना होता है, तो नमन आघूर्ण ज्यादा फेमस वर्ड है हिंदी में। हिंदी में इसका फेमस वर्ड क्या है, नमन आघूर्ण, इसका फेमस वर्ड क्या है, नमन आघूर्ण। तीसरा इसका वर्ड, तीसरा इसके बारे में क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट यानी मरोड़ जिसको बोलते हैं, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मोमेंट यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या ट्विस्टिंग मोमेंट को, मरोड़ घूर्ण, मरोड़ घूर्ण, इसको क्या बोलते हैं, मरोड़ घूर्ण। बात सुन रहे ना, यानी टर्निंग बेंडिंग और ट्विस्टिंग तीन तरह के मोमेंट हम लोगों के मुख्य रूप से होते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है। अब एक एक को डिस्कशन कर लेते हैं कि टर्निंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है ना, टर्निंग मोमेंट क्या होता है, फिर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का भाई आ जाता है टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट, टर्निंग यानी इस जिसका नाम ही है केवल घुमाए गए। अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझिएगा, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, आपको दिख रहा होगा एक कोई पटरी या स्केल टाइप्स है और इसको किसी पिन से दीवाल में इस तरह से धंसाया जाए कि ये दीवाल में धंसे केवल, लेकिन इसमें गैप बना रहे, यानी ये कहीं ना कहीं से क्या हो जाए, ये कैसी हो जाए, हिंज हो जाए, हिंज हो जाए, या जिसको बोलते हैं हम लोग पिन हो जाए, हिंज हो जाए या पिन हो जाए। बात समझ आ रही है, हिंज या पिन का मतलब समझते हैं, पिन मतलब हेल्ड इन पोजिशन। इसकी इसकी इंग्लिश डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, पिछले वीडियो में आपको बताया नहीं था लेकिन अब बता रहा हूँ। जेई में इसका जब पूछता है कि व्हाट इज हिंज और व्हाट इज पिन, तो आपको बोलना पड़ता है हेल्ड इन पोजिशन, हेल्ड इन पोजिशन, पोजिशन बट नॉट नॉट रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट, अगेंस्ट रोटेशन, अगेंस्ट रोटेशन यानी हेल्ड इन पोजिशन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। इसका मतलब कहता है एक ऐसा हिंज और ये सब सपोर्ट सुने हो ना, सपोर्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि ये बीवी होती है, यानी जो घूमने तो देगी लेकिन आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। तो पिन वाला है ज्वाइंट, यानी अपनी हेल्ड इन पोजीशन मतलब जगह पे तो जकड़ा रहेगा बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, लेकिन घूमने से रोक नहीं सकता है। तो अगर किसी आप अपनी स्केल वगैरह जिससे आप खींचते हैं लाइन ना, उसको ले करके उसमें एक होल कर लीजिए, होल करके दीवार में कील मार दीजिए, तो स्केल पर जब कभी भी ऐसे फोर्स लग जाएगा, यहाँ से स्केल पर जब कभी भी इस टाइप से यहाँ पे आप फोर्स लगाइए, इस जगह पे फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, क्या होगा, ये यहां से जैसे ही फोर्स लगेगा, इसकी नई स्थिति जो होगी, इसकी जो नई स्थिति होगी, अरे चलो वहां जी कहाँ जा रहे हो, ठीक है, इसकी जो नई स्थिति होगी, देखो भाई इसकी नई स्थिति कुछ ऐसे होने लगेगी, और ऐसे का मतलब
बदतमीजी है, दूर रखा है, घुमाएंगे माफी चाहेंगे इनकी बदतमीजी के लिए हम आपसे। चलो इसकी नई स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, इसका अर्थ है कि ये इस पर क्या करने लगेगा, इस टाइप से इसको घुमा देगा, यानी इसकी हो जाएगी क्या, टर्निंग। टर्निंग का मतलब आप समझते हैं ना, टर्न हो गया। अच्छा इससे स्केल टूट जाएगी तुम्हारी, मैं यदि तुमसे पूछूं कि इससे स्केल टूटेगी तो तुम क्या जवाब दोगे, क्या टर्निंग मोमेंट लगाने से स्केल टूटेगी। टर्निंग मोमेंट का मतलब होता है कोई वस्तु थी उसको बस घुमा दिया, तो घुमाने का मतलब होता है, घुमाने का मतलब होता है उसकी एक पोजीशन एक्स। अच्छा कभी ये दिमाग में आया कि अगर सर बल लगने से घुमा है, तुम बल अगर इमेजिन करो, इमेजिन करो कि तुम बल, एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम बल इसी जगह पर लगाए होते, लाइक इसी जगह पर इसी पॉइंट पर बल लगाए होते, तो क्या अगर ये बल नहीं होता, इमेजिन करो ये बल नहीं है, ये वाला बल नहीं है, इसको भूल जाओ, क्या स्केल घूमेगी? क्यों? क्योंकि यही दिक्कत आ रही है ना, ये स्केल नहीं घूमेगी इस टाइम, तुम खुद ही समझ रहे हो क्यों नहीं घूमेगा। कहोगे सर बल की क्रिया रेखा पर ही वो बिंदु है जिसके परिता घुमाना है, वो बिंदु बल की क्रिया रेखा पर है, मोमेंट क्रिएट ही नहीं करेगा, ये मोमेंट क्रिएट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसी क्रिया रेखा पर है। तो कहने का मतलब ये है पूरा यहाँ पे कि वास्तविकता है कि घूम जाएगा, और कैसे घूमेगा, कुछ इस स्थिति में आ जाएगा ऐसे। क्यों आएगा? क्योंकि भाई बल वहां ना लग के कुछ दूरी पर लगा, मैंने इस पॉइंट से नीचे कहीं भी लगेगा घुमा देगा, ठीक है ना, मैंने छोटी चीज लेके समझाई जनरली समझ में आ जाए। तो टर्निंग मोमेंट क्या होता है, टर्निंग मोमेंट क्या होता है यदि मैं पूछूं आपसे, तो इफेक्ट एक तरीके का क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु के परितः घुमाने वाले प्रभाव को टर्निंग मोमेंट कहते हैं, यानी इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी कहोगे सर मोमेंट में और इसमें अंतर क्या है, टर्निंग मोमेंट में और मोमेंट में कोई अंतर नहीं है, डेफिनेशन भी वही है, मोमेंट का मतलब जनरली टर्निंग मोमेंट ही लिया जाता है, अभी आगे तुमको समझ में आएगा कि जब बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग अलग कैसे होंगे। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन विच अ बॉडी टर्न्स अबाउट अ पॉइंट, यानी अबाउट अ पॉइंट, यानी यह बल का एक घुमाऊ प्रभाव है जिसमें वस्तु किसी बिंदु के परितः घूम जाती है, तो घूम गया, कहोगे सर ये टर्न हुआ तो इसलिए टर्निंग मोमेंट। तो क्या होते हैं बेंडिंग और क्या होते हैं ट्विस्टिंग? अच्छा टर्निंग मोमेंट, इसके बारे में एक बात, दूसरी बात, इट डजंट चेंज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, यानी यह बॉडी के साइज शेप को नहीं बदलता है, ठीक है ना। अब इमेजिन करो तुम इसी तरीके से, इमेजिन करो यहाँ पे, ये टर्निंग मोमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, ध्यान से देखो, पहली बात मैंने क्या बोली, यह बल का घुमाऊ प्रभाव है, हिंदी में बोल रहा हूँ, यह बल का घुमाऊ प्रभाव है जो वस्तु को, इसका मतलब है जो वस्तु को किसी बिंदु के परितः घुमा देता है, इसके वजह से वस्तु के आकृति और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इसी बॉडी को हिंज के बजाय अगर मैं बोलूं कि इसी बॉडी को यदि हम लोग यहां पर एक पिन ना लगा करके, इमेजिन करिए दो पिन लगा दें, एक पिन ना लगा करके दो पिन यहां पर लगा दें, तो तुम बस इतना बताओ दोस्त, इतना बताओ कि जब ये फोर्स अब लगेगा तो तुमको क्या लग रहा है, ये जैसा तुम सोच रहे थे वैसा घूमेगा? एक पिन धंसाए थे, अब नीचे एक और पिन लगा दिए, या फिर इसको किसी दीवाल में खूंटी वगैरह से धंसा दिए, देखो दोनों फिक्स सही है, दोनों पिन करने का मतलब भी फिक्स हुआ, या ऊपर से इसको फिक्स कर दो तब भी बात वही होती है, फिक्स हो गया। फिक्स करोगे तो आप कहोगे सर ये फोर्स क्या करेगा,
क्या अब ऐसा होगा जो ये हो रहा था? नहीं, अब तो कहानी कुछ और होगी और वो कुछ इस तरह से होगी। पहले तो घूमेगा नहीं आसानी से, पहले तो वो आसानी से घूमेगा नहीं, और जब घूमेगा ना, और जब घूमेगा तो कुछ ऐसा घूमेगा, कुछ ऐसा घूमेगा। इसका ये एक्सिस, इसका ये एक्सिस पूरा का पूरा, उसका ये एक्सिस, यानी जो पहले एक्सिस इसकी सीधी थी ना, पहले इस स्केल की एक्सिस ये थी, अब उसकी एक्सिस ही पूरी क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। यानी ये एक्सिस बेंड हुई, मुड़ा। यानी मैं इसको कहूंगा दूसरा वाला मोमेंट हमारा क्या था, जिसको हमने बोला था क्या, बेंडिंग मोमेंट। यानी ये मोमेंट क्या किया, बेंडिंग मोमेंट। यानी बेंडिंग मोमेंट के बारे में मैं क्या बोलूं या क्या करता है? बेंडिंग मोमेंट एक तरीके से कहता भैया हम बॉडी को घुमा देंगे, हम बॉडी को, बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है कि इसको क्या, हम बॉडी या वस्तु को झुकाने का प्रयास करता है। झुकाना समझ रहे हैं, घुमा देना, ठीक है ना। घुमाने से कोई खास वस्तु प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम तुम क्या कर रहे थे, तुमने कहा कि यार जैसे हमको तुमसे एक गिलास पानी चाहिए, मैं कहूंगा कि यार तुम आ रहे हो तो एक काम करो, आ ही रहे हो तो मेरे लिए गिलास पानी लेते आना। अच्छा उधर जा रहे हो, अच्छा देते जाओ एक गिलास पानी, तब तो बड़ी अच्छी बात है, घुमाओ घूर्ण है, हमने आपको घुमा दिया। हम कह रहे हैं कि एक गिलास पानी के दे के जाओ नहीं टांग तोड़ देंगे तुम्हारी। तो इसको हम तुमको झुकाने का प्रयास करना है, और झुकाने में स्ट्रेस पैदा होता है बॉडी। अभी तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पढ़ना है, इस पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ना है, तो मैं तुमको बता दूं स्ट्रेस स्ट्रेन जैसे ही बॉडी घूमना शुरू करी, उसके आकार में तुम बदलाव का कोशिश किए, तुम उसको छेड़ने का प्रयास किए, समझ लो तुम उसके साथ दिक्कत दे रहे हो। और उस स्थिति में उसका, इसका ये डिफॉर्म हो रहा है, टूट भी सकता है। यानी मैं क्या कहूंगा इसके बारे में कि क्या करता है, यह वस्तु को झुकाने का प्रयास करता है। यानी इट ट्राइज टू बेंड द बॉडी और स्ट्रक्चर, या किसी स्ट्रक्चर को या बॉडी को क्या करने का प्रयास करता है, ट्राइज टू बेंड द बॉडी, यानी यह बॉडी को बेंड करने का प्रयास करता है। तो आप देख रहे हैं बॉडी इसमें बेंड हुई है, यानी प्रयास करेगा चाहे कर देगा, दोनों बातें होंगी, ये बेंड कर भी सकता है या करने का प्रयास भी करता है। इट चेंजेज, इट ट्राइज टू चेंज और चेंजेज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। यानी यह बॉडी के शेप और साइज को क्या कर सकता है, या तो बदल सकता है, ट्राइज टू चेंज यानी प्रयास करेगा या बदल देगा, ये दो तो काम करेगा। ये इसमें लिखा है डजंट चेंज, इसमें कहता है चेंज, यानी यह क्या कर सकता है, बॉडी में ये सब चीजों को तोड़ मरोड़ के बदल सकता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि ये कैसे काम करता है? यानी टर्निंग मोमेंट क्या है आपको समझ में आया, टर्निंग मोमेंट क्या है समझ में आया, बेंडिंग मोमेंट क्या है वो भी आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट का मतलब होता है कि उसी बॉडी को, उसी जो बॉडी थी ना, उसी बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको पकड़ के ना, यहां से जैसे यहां से फिक्स हो, यहां से ये फिक्स हो, ऐसे 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 फिक्स हो, और इसको इसके उसके इस एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट क्या करें, मोड़ दें, यानी ट्विस्ट कर दें। ट्विस्टिंग का मतलब होता है, ऐसे ना समझ में आया, तुम ऐसे समझो, अक्सर शाफ्ट में ये चीज देखी जाती है। शाफ्ट का मतलब क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ शाफ्ट का मतलब। मान लो कोई इस टाइप का शेप है, लाइक इसी को मान लो ऐसे, इसी को हम लोग क्या करते हैं, घुमा लेते हैं, यानी ये तुम्हारा जो है, इसको ऐसे घुमा के समझो, ऐसे करके, है ना, ऐसे कोई बीम वगैरह, सिंपल सी छोटी सी बीम, मान लो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, और इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो दिख रही है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहां से यहां तक, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई वाली अक्ष, ये समझ में आ रहा है पूरा, ये लंबाई वाली अक्ष। और तुम क्या किए, इसको यहां से पूरा जाम किए हो दीवार में या कहीं पर भी ऐसे, और उसके बाद इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाने, ऐंठने का, टावल लेके ऐंठे हो कभी, तो वो भी एक मोमेंट होता है। वो होता क्या है,
कि भाई इसके अबाउट यहां से, यानी ये जो बीच में लंबाई की अक्ष है ना, उसके अबाउट एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इस दूरी से इसको ऐंठने का प्रयास है, यानी ऐंठन मोमेंट बोलते हैं। ये भी एक मोमेंट होता है, आपको मैं एक चीज बता दूं, पूरे ये भी एक मोमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना, ट्विस्टिंग मोमेंट। आखिर तुम किसी चीज को घुमा रहे हो, तीनों में चीजें कहीं ना कहीं घूमी है कि नहीं ये बताओ। पहली चीज इसमें तुम क्या किए, इसको घुमाए हो, इसको भी घुमाए हो, बस अब तक घुमा नहीं तो बेंड हो गया है, इसको भी घुमाए हो तो ये ऐंठ गया है। हर स्थिति में इतना चीज जान लो तुम कि तीनों में तुम कहीं ना कहीं घुमाने का ही प्रयास कर रहे हो, इस चीज को अच्छे से समझ लो। क्लियर है पूरी बात? अब एक चीज यहां पर देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, मैं क्या, तीनों मोमेंट में, तीन मोमेंट पढ़े ना, तीनों मोमेंट में जान लो तुमको मैकेनिक्स के अंतर्गत केवल टर्निंग मोमेंट ही पढ़ना है। मैकेनिक्स के अंतर्गत केवल टर्निंग यानी ये वाला ही स्थिति पढ़ना है। अभी ये मुड़ेगा या ऐंठेगा ये सब अगले सेमेस्टर में तुम मुझसे मिलोगे, मुझे उम्मीद है, तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, या कुछ लोग इसको बोलते हैं क्या, इसी का नाम होता है सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कुछ लोग इसको मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तीनों सब्जेक्ट का नाम एक अलग अलग है, काम एक ही है, इसमें हम लोग इन सब पर बातें करेंगे, मैकेनिकल वाले भी बच्चे और सिविल वाले भी बच्चे। इन्हीं तीनों में से किसी एक नाम से आपका किताब आपको मिलेगा, उसमें टॉपिक बात करेंगे हम लोग ट्विस्टिंग पर और किस पर, आपका बेंडिंग पर, वो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तब मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी भी हम लोगों को उनकी पढ़नी पड़ती है। ये थे तीनों मोमेंट के प्रकार, तीनों मोमेंट के प्रकार थे, यानी इतना चीज तो हम लोगों ने आज समझ ही लिया, ठीक है। अब हम लोग मोमेंट के टाइप देखो खत्म होता है, यहां से मोमेंट के तीनों टाइप हम लोग खत्म करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको बोलते हैं हम लोग वेरिग्नान थ्योरम, वेरिग्नान का प्रमेय। वेरिग्नान ने क्या कहा हम लोगों से, वेरिग्नान का थ्योरम हम लोगों ने क्या कहा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसे समझो इसको कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके आगे आगे ना कई सारी कैलकुलेशन में खट से काम करेगा। तो वेरिग्नान ने क्या कहा था, वेरिग्नान है, वेरिग्नान थ्योरम, ये इनका नाम है, तो बहुत टेढ़ा नहीं, आप गलत भी लिखेंगे तो चलेगा, नाम मेरा ही स्पेलिंग आप गलत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाम का कोई फिक्स स्पेलिंग होता है सबका अलग अलग। तो वेरिग्नान हिंदी में बोले तो वेरिग्नान, पता नहीं यार ये क्या होगा, ऐसे होगा शायद वेरिग्नान, जिसका अंग्रेज ही रहा उसका, वेरिग्नान का प्रमेय इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी और आपके इस एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वेरिग्नान का प्रमेय क्या कहता है, वेरिग्नान ने कहा कि कुछ कोप्लेनर फोर्सेज हो, कोप्लेनर फोर्सेज मतलब एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ, कई सारे कोप्लेनर फोर्सेज, कोप्लेनर फोर्सेज हो, ये सब एक ही प्लेन में है, यानी ये फोर्सेज जो है लाइक ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, अभी के केस में ये पैरेलल और लाइक फोर्सेस दिख रहे हैं। पैरेलल और लाइक फोर्सेस का मतलब क्या होता है, यानी एक ही दिशा में काम करने वाले चलिए, अभी क्या ये दिख रहा है ना, पैरेलल और लाइक फोर्सेस दिख रहे हैं, एक ही दिशा में काम करने वाले समांतर बल लगभग दिख रहे हैं। अब मैं बोलूं कि अगर इसी में स्थित, इसी प्लेन में स्थित, प्लेन मतलब एक तल है यार, कहोगे सर ये उस तल में है कि नहीं, बिल्कुल उसी तल में है। तल का मतलब होता है एक कागज की सीट में सब आ जाए, 2D की बात मैं कर रहा हूं, सब एक ही तल में स्थित कई बल है। तो मैं पूछूं इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट क्या होगा, F1 का, F2 का, F3 का, F4 का, तो मैं कहूंगा कि यदि F1 का मोमेंट लेंगे तो भाई F1 इंटू इससे लंबवत दूरी, F2 इंटू इससे लंबवत दूरी, यानी सारे बलों का मोमेंट ले रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इनका एक रिजल्टेंट है, इन सभी बलों का एक साथ इफेक्ट जो है, मान लीजिए वो है आपका एक ही बल जिसको हम लोग बोल रहे हैं एफ आर। तो वेरिग्नान ने कहा कि यदि कई बल एक तल में लगे हुए हों, तो उन सभी बलों का उसी तल में स्थित किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का योग
आघूर्णों का योग उनके परिणामी के उसी बिंदु पर आघूर्ण के बराबर होगा। मैं पहले लिख देता हूं, एक ही तल में, एक ही हिंदी में लिखूंगा इंग्लिश में, एक ही तल में कार्य कर रहे बलों का उस तल में किसी बिंदु पर आघूर्णों का योग उनके परिणामी का उसी बिंदु पर आघूर्ण के बराबर होगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि एक ही तल में किसी, अच्छा ये योग का मतलब हमेशा ध्यान रखना यार, ये बीज गणती योग ही है, मतलब कोई ऊपर लगा रहता है तो उसका मोमेंट माइनस लेना पड़ता, का बीजी योग मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो बाद में कहोगे बीजी योग, यानी बीज गणती योग मैं कह रहा हूं। यानी इंग्लिश में बोले तो, इंग्लिश में अगर इसी चीज को मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा algebraic sum of moments of coplanar forces is equal to the moment of their resultant algebraic sum of moments of coplanar forces। about a point in the same plane is equal to the moment of their resultant about the same point। अभी समझ में आ जाएगा, अभी तो बात पल्ले नहीं पड़ी। अभी कह रहा है कि algebraic sum of moments of coplanar forces about a point in the same plane is equal to the moment of their resultant about the same point। यानी हम कहना चाहते हैं यहाँ पे, मैं एक शब्द में यदि बोलूं, बहुत कम शब्दों में, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि यदि यही वो पॉइंट है जिससे इस बल की दूरी b1, इस बल की दूरी b2, इस बल की दूरी d3, इस बल की दूरी, माने दूरी मतलब यहां से इसको बढ़ा लो लंबवत दूरी मिल जाएगी, d4 हो, और इन सभी का एक रिजल्टेंट है fr जिसकी दूरी जो है वो dr है। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा कि भाई इन सभी का लो आघूर्ण, यानी मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम f1 d1 plus, चूंकि अब प्लस ले रहा हूं क्योंकि सब एक ही दिशा में, माइनस ले सकता था मैं, f1 d1 plus f2 d2 plus f3 d3 plus f4 d4 बराबर होगा सीधे, इन सब का रिजल्टेंट क्या है fr into dr। यानी यही कहता है वेरिग्नान का थ्योरम। वेरिग्नान ने कहा कि एक ही प्लेन में, हमेशा ध्यान रखिएगा प्लेन एक ही होना चाहिए, प्लेन में हमेशा अगर कई बल काम कर रहे हो तो चाहे तो उनका अलग अलग मोमेंट लीजिए तो वो मान निकालिए, चाहे उनके परिणामी का एक ही बार मोमेंट ले लीजिए तो एक ही होंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा। यानी ये सब मिलके अलग अलग इंडिविजुअल जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे वो अकेला परिणामी ही क्या करेगा, अपने मोमेंट से वो इफेक्ट क्रिएट कर देगा। क्या मेरी ये बात समझ में आई? वेरिग्नान का थ्योरम केवल परिभाषा भर आपसे पूछा गया है, नहीं यकीन है तो जरा देखिएगा यहां पर बोला क्या गया है, जरा कहीं दिख रहा है वेरिग्नान का थ्योरम?
वैरेग्नान थ्योरम कहीं दिख रहा है, ये वैरेग्नान थ्योरम डेफिनेशन ओनली, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, करेंगे तो भी हो जाएगा, जरूरत ही नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हारा मन हो कर लेना, मैं नोट्स में दे दूंगा, करना कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने से क्यों मैं तुमको परेशान करूं, बोला है डेफिनेशन, यानी सीधे आप ये कहना चाहता है कि आप डेफिनेशन बताइए और निकलिए यहाँ से। वैरेग्नान का प्रमेय क्या कहता है, एक ही तल में कार्य कर रहे बलों का उस तल में किसी बिंदु पर आघूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी का उसी बिंदु पर आघूर्ण के बराबर होता है, इन द सेम वे इंग्लिश में भी वही बात लिखी है और लास्ट में मैंने डायग्राम से इसको मैथमेटिकली समझा भी दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोमेंट को हमेशा ना, जैसे ये सब मोमेंट लग रहा है किसी न किसी पॉइंट के अबाउट, यानी मोमेंट को ये लिखने वाली बात नहीं है, समझने वाली है, अगर किसी पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स इस टाइप से काम कर रहा हो तो ये फोर्स इस समय इस पॉइंट पर यदि घुमाव क्रिएट करेगा तो बता सकते हैं किस दिशा में कर रहा है, इसको कहेंगे क्लॉक वाइज मोमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉक वाइज मोमेंट, यानी इस मोमेंट को बोलते हैं क्लॉक वाइज मोमेंट। अगर यही कोई यहीं पर कोई बल इसी बिंदु से यहाँ इधर की तरफ इसके अबाउट लग रहा हो तो इस मोमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉक वाइज, यानी एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट। अगर वही बल यहाँ पर, सोचो अच्छा नीचे ऊपर से मत समझना, कभी भी कहीं पर अगर दो बल या तीन बल काम कर रहे हो ना, अल्जेब्रिक सम लेना हो तो क्लॉक वाइज को यदि प्लस ले रहे हो तो एंटी क्लॉक वाइज को माइनस लेना, यदि एंटी क्लॉक वाइज को प्लस लियो तो क्लॉक वाइज को, क्योंकि अल्जेब्रिक सम का मतलब होता है एक इसको इधर घुमा रहा दूसरा इसको इधर घुमा रहा, तो इसका मतलब है वस्तु में कुछ देखना पड़ेगा कि कौन घुमा पाएगा कौन नहीं, तो किसी का रिजल्टेंट काम करेगा, तो एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे से मत लेना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जो नीचे लग रहा है वो क्लॉक वाइज है ना, लेकिन जैसे इधर जाओगे तो ऊपर वाला क्लॉक वाइज हो जाएगा। देखो ये दोनों एक ही तरीके के फोर्स हैं, देखो ना ये भी इस वस्तु को ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है और ये भी ऐसे, तो ये दोनों ही क्या है, क्लॉक वाइज है, तो इधर ऊपर वाला अगर इधर लग गया तो समझो वो क्लॉक वाइज है, यानी तुम अगर किसी बिंदु के अबाउट बलों का मोमेंट लोगे ना तो कभी भी ये गलती मत करना कि सारे नीचे वालों को प्लस और ऊपर वालों को माइनस, गलत हो जाएगा, क्यों, हमेशा बिंदु के एक तरफ देखना कि अगर ये क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है तो उधर वाला हो सकता है ऊपर क्लॉकवाइज क्रिएट करे, लेकिन होना क्लॉकवाइज चाहिए। तो बल, अगर बल की बात करें केवल फोर्स की, तब तो ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन जब मोमेंट की बात करेगा तो देखना क्लॉकवाइज नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये चीज आपको लेके चलनी है। इसलिए मोमेंट को दो तरीके से बोला जाता है, डाउनवर्ड अपवर्ड की जगह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड अलग नहीं है, दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर यही बल इसके इधर लग जाए ऊपर तो ये तुरंत इसको, देखो हमेशा इस बिंदु को रिफरेंस मान के सोचो, ये इधर इस बिंदु की तरफ, ये अच्छा कोई भी घुमाता है तो बिंदु की तरफ ही मूव करेगा, सर इधर क्यों नहीं जा रहा, सर ये इधर क्यों ले आ रहा है, इधर क्यों, अरे बिंदु की तरफ ही ना जाएगा, कोई भी इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट चाहता है तो मोमेंट पॉइंट की तरफ ही ना घूमेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है हमेशा पॉइंट को रिफरेंस मान के देखो कि बल उसकी तरफ आता है यदि तो किस घड़ी, घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। इसका प्रयोग हम लोग रिएक्शन निकालने में ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में जब पढ़ रहे थे, तो लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करा रहा हूं कि देखिए मोमेंट, इसलिए मैं उस चैप्टर में बोला था ना कि उस चैप्टर को पढ़ाने में तभी मजा आएगा जब ऐसा हो जाए, याद है। चलिए कोई नहीं, हम लोग देखते हैं इसको ऐसे इस तरीके से। अभी वैरेग्नान थ्योरम हो चुका है हम लोग का, वैरेग्नान थ्योरम यहाँ पर हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें किसकी, अब अगला यही तीन ही क्लियर करता हूँ, अब प्रिंसिपल और लीवर वगैरह के बारे में अगले लेक्चर में, इन सब चीजों पर अगले लेक्चर में बात करेंगे, फिर आगे मतलब चार पांच लेक्चर तक थ्योरी फिर कुछ न्यूमेरिकल लगा करके कहानी खत्म हो जाएगी जल्दी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, प्रेम बनाए रखिए, अच्छे कमेंट्स और लाइक के लिए आपका भाई आपका इंतजार करता है, तो फटाफट से डालिए। बाकी फर्स्ट चैप्टर के नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिए, बाकी पूरी चैप्टर यार थोड़ा सा ऐसा लगता है, पर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, धन्यवाद।